राजस्थान में जननायक जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग निरंतर जेजेपी से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को जयपुर में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह नदवई सहित सैकड़ों लोग जेजेपी में शामिल हुए थे। तो वहीं शुक्रवार को नागौर से कांग्रेस नेता एवं एनएसयूआई में छात्र राजनीति में सक्रिय रह चुके सुभाष धौलिया और अन्य युवा अपने समर्थकों साथ जेजेपी में शामिल हुए। दुष्यंत चौटाला ने धौलिया परिवार और युवाओं का जेजेपी में स्वागत किया और कहा पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा नए मजबूत लोगों की पार्टी में शामिल होने से जेजेपी राजस्थान में मजबूती से उभर रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा राजस्थान के युवाओं के रोजगार के लिए हरियाणा की तर्ज पर 75% रोजगार कानून बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ने के कारण युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और राज्य की कांग्रेस सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जेजेपी द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में किसान नौजवान सभाएं आयोजित करवाई जा रही है। इनमें किसान, युवा और स्थानीय लोग बढ़ चढ़ कर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सुनने आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला युवाओं के साथ चारपाई पर बैठकर लंच भी करते दिखे तथा गंभीरता के साथ उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला का ये अंदाज युवाओं को खासा पसंद आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।